बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मरियम क्रिएशन इंडिया। ये हमने अपनी बेबी के लिए ओल्ड शर्ट से ड्रेस बनाया है। ये देखिए आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी बेबी है, इसका नाम मरियम है, इसके लिए ही हम सारे ड्रेसेस बनाते हैं। ये देखिए हमने 18 इंच की लेंथ रखी हुई है, करीब 1.5 से 2 इंच ऊपर फोल्ड के लिए है, उसमें इलास्टिक डलेगी। ये हमारा स्कर्ट बन रहा है, ये हमने यहाँ से कट करना है। ये ऊपर का जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हमें टॉप बनाना है। ये टॉप है और ये स्कर्ट है, तो हमें 10 इंच की लेंथ बची हुई है तो उसको हमें टॉप बनाना है। टॉप के लिए तो वो लेंथ थोड़ा कम है तो हमें इसकी फ्रिल भी लगानी होगी। तो अभी हम स्कर्ट बनाते हैं। ये हमारे बटन्स लगे हुए ओपन शर्ट है, तो ये हम पहले ओपन करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इलास्टिक उसमें अटैच कर लेंगे। ये हम 1 से 1.5 इंच फोल्डिंग का हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। ये हमारी 20 इंच लंबी ये लेंथ इसकी 20 इंच इलास्टिक की, इसको हम इसमें अटैच करेंगे। पहले साइड में ऐसे हल्का सा फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी स्कर्ट में इलास्टिक पड़ गई है, ये स्कर्ट हमारी रेडी है। इसमें सिर्फ ये छोटे बटन को हम रिमूव करके इसमें हम बड़े बटन शो बटन्स लगाएंगे। शो बटन्स क्या, ये बटन्स ही रहेंगे क्योंकि हमें इसके काज भी यूज़ करने हैं। काज हमारे छोटे हैं तो बटन्स के हिसाब से, तो पहले अब हमें काज भी बड़े करने हैं और बटन्स भी टक करने हैं। तो इसमें बटन्स लगा लेंगे बड़े बटन और काज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, हल्का सा कैंची के ज़रिए उसको बड़ा करके उसको सुई धागे से बना लेंगे। ये इस तरह से हम हमारी बटन लग गई है, हमने काज भी बड़ा कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमारी बटन्स रेडी है। हमारी बटन लगने के बाद हमारी स्कर्ट रेडी हो गई। ये देखिए कितनी प्यारी स्कर्ट तैयार हुई है और कोई खर्च नहीं। ये हमारी शर्टें सब पुरानी शर्टें पड़ी हुई थी, उसको हमने रीयूज़ कर दिया है। ये हम पहले आस्तीनों को रिमूव करेंगे, आस्तीनें अलग करके उसके बाद हम अपनी बेबी की चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। हमारी बेबी की चेस्ट की चौड़ाई ये हमारी 28 इंच है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई का मार्जिन, तो ये हमने 30 इंच पे ये कट करके हमने बराबर से निकाल लिया। अब हमें 20 से डबल फोल्ड करेंगे। लेंथ हमारी बची है ये पूरी 11 इंच यहाँ शोल्डर से है, और ये हम कॉलर नहीं निकालेंगे, कॉलर यही लगा रहेगा। बटन भी दो जो छोटे हम रिमूव कर देंगे और कॉलर का बटन लगा रहेगा। ये हमारा शोल्डर 5.5 इंच है, 5.5 इंच, और आर्म होल भी 5.5 इंच, लगभग जितना आर्म होल रहता है उतना ही शोल्डर रहता है, और स्लीवलेस के लिए इतना ही ठीक है। ये हमने कटिंग कर ली आर्म होल की। आइए अब हम सिलाई की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले अब हमें ये बटन निकाल कर यहाँ बड़े बटन लगाना है। ये छोटा बटन जो कॉलर पर है वो सेम उसी जगह पे रहेगा, और हमें यहाँ पे स्ट्रिप निकालनी है जो हमें नीचे फ्रिल बनानी है। ये हम आस्तीनों से कट करके 2 से 2.5 इंच की चौड़ी स्ट्रिप निकाल लेंगे, और आप अगर और चौड़ी करना चाहें, अगर आपके पास है इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा आप निकाल सकते हैं। थोड़ी चौड़ी बन सकती है हमारी भी, लेकिन हम ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाएंगे। इस तरह से हमने स्ट्रिप सारी कट कर लेनी है। ये दोनों आस्तीनों से हमने एक आस्तीन से 3 स्ट्रिप निकाल ली है। अब इसको इसमें सब अटैच कर लेंगे, इसमें फ्रिल के लिए रेडी करना है। यहाँ पे हमें ये देखिए ऐसे चुन करके प्लीट, छोटी छोटी प्लीट डाल के फ्रिल लगानी है। अब हमें पहले ये देखिए हमने दूसरी आस्तीन से ऊपर से कट करके ये स्ट्रिप हमने निकाल ली है मोढ़े पे लगाने के लिए। बहुत आसानी से ये निकल जाएगी, इससे हमें कोई और पट्टी नहीं काटना है। हमारे बटन्स भी लग गए हैं और हमने उसके जो पट्टी थी वो भी हमने लगा दी। इसको इस तरह पलट करके डबल करके सिलाई लगा दीजिए, और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद हमें साइडें लगानी है, और ये फ्रिल हमारी नीचे हमने फोल्ड कर दिया है, साइडें लगा लेंगे।
उसके बाद हमें फ्रिल अटैच करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार प्यारे कमेंट्स दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और इसी तरह आप अगर हमारे वीडियो पर बने हुए हैं, फुल वॉच कर रहे हैं, तो लास्ट में हमें प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को वॉच किया और इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।